एक गांव में घूमा हूँ अवैसे ही, और दोस्तों पिछला वाला गांव में 350 का सेलिंग हुआ है। फिलहाल अभी चलते हैं लगाव की तरफ और इधर बुलाया उस घर तक से, तो अभी फिलहाल थोड़ा सा यहाँ देखते हैं बिकता है कि नहीं बिकता है, उसके बाद निकलेंगे। मिर्ची कैसे है? 50 के। असली सिस्त लहरी जो है ना आज, आज असली सर्दी का महीना। आप बेच के डेर ना होते। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह के 6:30 हो रहा है और इस समय का व्यू देख सकते हैं किस तरह का है। दोस्तों पूरी तरह से धुंध लगा हुआ है और आज है शीतलहरी, असली शीतलहरी जो है ना आज है, आज असली सर्दी का महीना है, यानी कि ठंडी का महीना है। तो इसलिए क्योंकि दोस्तों आज है ना पछिया हवा बह रहा है, और इस समय में जब पछिया हवा बहता है यानी पश्चिम भरे से हवा बहता है तो बहुत ज़्यादा ठंडी रहता है। तो कल पछिया हवा बहा, अभी भी हवा चल रहा है और धुंध भी बहुत काफ़ी लगा रहा है। अभी 6:30 हो गया है, देख सकते हैं अभी पूरी तरह से अंधेरा जैसे है, और आज ऐसा लग रहा है कि धूप उगने वाला नहीं है, धूप निकलने वाला नहीं है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। और देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा फूनी भी पड़ रहा है, ठंडी गिरता है ना ज़्यादा तो बारिश जैसे थोड़ा थोड़ा बारिश जैसे होने लगता है, तो फूनी पड़ रहा है और झीसी जैसे, और दोस्तों ठंड भी बहुत काफ़ी लग रहा है। और इस ठंडी का महीना में इतना काफ़ी ठंडा है, फिर भी हमको जब YouTube पर काम करना है तो वीडियो अपलोड हमारा शेड्यूल है 9 बजे रेडी होना चाहिए, तो पब्लिश होने का रेडी होना चाहिए, तो हमको इस समय वीडियो अपलोड करना ही पड़ता है। तो इतना ठंडी है फिर भी हमको आना पड़ा वीडियो अपलोड करने। तो दोस्तों अभी वीडियो अपलोडिंग पर लगा दिए हैं, अभी आप लोगों से बात करते हैं। और बहुत काफ़ी ठंडा है दोस्तों, और इसी बहाने थोड़ा टहल भी लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर वीडियो अपलोड नहीं करना होता तो ठंडी की वजह से घर पर ही रह जाता और आगे तापता रहता अभी। लेकिन वीडियो अपलोड करने के बहाने थोड़ा सा घूम भी लेते हैं, टहल भी लेते हैं, मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है। और दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ, काफ़ी ठंडा है, ठंडा बहुत ज़्यादा है, 3 दिन से ज़्यादा ठंडा है, और ठंडा पड़ना भी चाहिए, क्योंकि अगर ठंडा नहीं पड़ेगा तो गेहूँ है, धूप ज़्यादा रहेगा तो हमको 2 बार गेहूँ में पानी पटाना पड़ा है, तो बार बार पानी पटाना पड़ेगा। और ठंडी जितना फ़ायदा करता है गेहूँ का, उतना जो है ना पानी नहीं करता है, पानी थोड़ा बहुत करेगा जड़ में जाएगा। और ये ठंडी है तो पूरा ऊपर से जैसे अभी फुहारा पड़ रहा है, बारिश का फुहारा जैसे, तो वो फ़ायदा करता है गेहूँ के लिए, तो गेहूँ के लिए बहुत ही अच्छा है, ठंडी पड़ना भी चाहिए। तो 2-3 दिन से जो है ना ऐसा है, धुंध रहना चाहिए, ठंडी का मतलब धुंध खूब जैसे देख रहे हैं धुंध कोहरा, ये रहना चाहिए, तो इसमें जो है ना गेहूँ पोसाता है, अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा सा घूम लेता हूँ, उसके बाद घर पर चलता हूँ, माल सरियाना है, उसके बाद फिर चलेंगे फेरी पे। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा आगे से घूम के आते हैं। तो अभी आ गया हूँ घर और टाइम हो गया 7:30, और इस समय का भी देख सकते हैं पूरी तरह से ठंडा है और फूनी वैसा ही थोड़ा थोड़ा झीसी पड़ रहा है। तो अभी चलते हैं, माल जो जो सरियाना है उसे सरिया लेते हैं, क्योंकि कल बिक्री हुआ था तो ट्राउजर उजर कुछ ख़त्म हो गया, तो सबको उसमें से इस बोरा में से निकाल के बांध लेते हैं, वो अच्छे से सरिया लेते हैं। और इधर देख सकते हैं गमछा भी सरियाना है, इसको भी सारे को अच्छे से जो जो कमी है सबको अच्छे से सरिया करके गमछा वमछा टोटल सारे कुछ रेडी करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो चलिए फिर आज सरियाते हैं। हेलो दोस्तों, सारे को सरिया लिया, इसको सरिया कर बांध लिया हूँ, और गमछा को और झोला में कभी हो गया, और इधर भी सबको बांध लिए, थोड़ा सा इसमें से निकला है ट्राउजर। तो दोस्तों अभी हो गया है टाइम 9:45 होने वाला है, और इस समय का बाहर का व्यू दिखाते हैं किस तरह का ठंडा मौसम है। देख सकते हैं धूप का थोड़ा भी नमाज निशान नहीं है और पूरी तरह से ठंडा है। तो अभी मैं चलता हूँ स्नान कर, तो अभी खाना वाना खा लिया हूँ और गमछा लोड करना है, इधर सारे लोड हो गया है, कैरेट झोरा वोरा सा, और गमछा लोड करना है तो गमछा लोड कर लेते हैं। दोस्तों सारा लोड हो गया देख सकते हैं, और अभी मैं चल रहा हूँ, और पूरी तरह से ठंडा मौसम है, आज थोड़ा भी धूप नहीं है, तो फिलहाल निकलते हैं
10:15 हो गया है अभी। घर से दोस्तों अभी निकल चुका हूँ, लेकिन ठंडा बहुत लग रहा है, हवा भी चल रहा है और थोड़ा थोड़ा झिसी फुनिया भी रहा है बारिश जैसे, और ठंडा बहुत ज़्यादा तेज लग रहा है। चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं और देखते हैं आगे। दोस्तों अभी टाइम हो गया है लगभग 1:15 और इस समय का व्यू देख सकते हैं किस तरह का है दोस्तों। और ठंडी का मौसम है तो ऐसा मौसम तो रहता ही है, और धूप रहता था लेकिन आज ही ठंडा मौसम है तो ऐसा रहना भी चाहिए गेहूँ, क्योंकि गेहूँ के लिए अच्छा है। और दोस्तों अभी तक लगभग 4 गांव घूमा हूँ, 4 गांव में लगभग 850 का सेलिंग हुआ है, तो सेलिंग यही है, एक ही गांव में कस के हुआ है, नहीं तो ऐसे 10-20 मोजा उजा ट्राउजर और नाइट पैंट यही सब बिका है, तो 850 का टोटल सेलिंग हुआ है। और दोस्तों अभी भी हवा चल ही रहा है और ठंड तो है ही। और दोस्तों मैं अभी पुल पे खड़ा हूँ, देख सकते हैं यहाँ के चारों तरफ का व्यू एक बार दिखाते हैं, देख सकते हैं कितना नीच जगह है दोस्तों, इस तरह का व्यू है इधर का। तो दोस्तों अभी मैं चलता हूँ सीधे घूमने आगे की तरफ, और अगला गांव है बिदौल बाज, बिदौल आदम, जो कि सीवर ज़िला में पड़ता है, सीवर ज़िला बिहार। तो चलिए दोस्तों फिलहाल घूमते हैं और दो तीन गांव घूम करके फिर मिलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी 1:15 हो रहा है, फिर दो गाँव घूम करके। दोस्तों अभी टाइम हो गया है लगभग 2:45 और एक गाँव में घूमा हूँ अवैसी, और दोस्तों पिछला वाला गांव में 350 का सेलिंग हुआ है। फिलहाल अभी चलते हैं लगाव की तरफ, और इधर बुलाया उस घर तक से, तो अभी फिलहाल थोड़ा सा यहाँ देखते हैं बिकता है कि नहीं बिकता है, उसके बाद निकलेंगे। तो वहाँ पे उस वाले घर में 200 का ट्राउजर लेगी और प्लाजो लिया है, तो अभी चलते हैं, आधा घंटा समय लगा दिया है, फेरते फेरते बहुत मोल भाव करता है। फिलहाल चलते हैं अगले गाँव में घूम के फिर मिलते हैं, देखते क्या होता है। दोस्तों अभी 3:30 हो गए, तो अभी शाम के 5 बज गया है, और अभी बाज़ार के पास में आ गया हूँ, तो इधर गाड़ी लगा दिया हूँ, और थोड़ा सा सब्ज़ी लेना है तो सब्ज़ी लेकर आते हैं, और ये साइड में बाज़ार लगा हुआ है, देख सकते हैं छोटा सा गांव का बाज़ार है, देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा लेना है, सब्ज़ी लेकर कैसे को भी चाचा 100 रुपये अब्बा बंधा रुक जा अबे घूमे था कोई कैसे चाचा 20 के 1.5 किलो ₹15 है दोस्तों। गोभी कैसे है भैया चाचा 20 के 1.5। मटर कैसे भैया मटर 40। गोभी कैसे है आप 20 के 1.5 ना होते 1.5 रुपये का फर्क हो चुका है। आधा किलो पानी बता देना ₹20 कटा तो भी नहीं पूरा मजे काटते मिर्ची कैसे है
पचास के अढ़ाई सौ 100 ग्राम दे देना बस। कथी लग वीडियो करे जो वीडियो बनाऊँ से अथी में यूट्यूब पर मेरा मरीज सर यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब कर लिया आस नारायण दिल आस नारायण डेली ब्लॉग्स अभी सीधे चलते हैं दोस्तों घर की तरफ। और दोस्तों सरिया में जो घर था 200 का जो कपड़ा लिया है उसके बाद एक ही गाँव में घूम गए हैं और एक ही गाँव में कितना 550 का सलीम हुआ है। टाइम उसी गाँव में ख़त्म हो गया है, एक घंटा तो समय ही था उसी में ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों अभी चलते हैं घर और शाम 5 बजने वाला है और इस समय का भी दर्शन है इस तरह का है। और दोस्तों हवा आज दोस्तों पूरा दिन चला है तो ठंडा लग रहा है और काफ़ी ठंडा लग रहा है, ठंडा थोड़ा थोड़ा नहीं काफ़ी ठंडा लग रहा है इसलिए क्योंकि दोस्तों थरथरा रहे हैं घर चला रहे हैं तो और वैसे ठंडा लग रहा है। देख सकते हैं 2 शर्ट है, 1 स्वेटर है पहने हुए हैं, गमछा है, फिर भी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है तो थरथरा रहे हैं चला रहे हैं गाड़ी। तो चलिए दोस्तों फिलहाल हम चलते हैं घर पे और बाज़ार में खाली गोभी लिया हूँ सब्जी एक आइटम बस, उसके बाद अभी चलते हैं घर पे दोस्तों। और दोस्तों अभी चलते हैं घर, उससे पहले आप लोगों से बता दें कि आज पूरे दिन में जो है ना बिक्री हुआ है कितना 2400 रुपये हमारे पास 300 रुपये लेकर गया हुआ था आया हुआ था। तो दोस्तों टोटल सेलिंग आज का 2100 रुपये हुआ है तो चलिए ठीक ठाक है, इतना ठंडी के बावजूद भी इतना का सेलिंग हो गया। तो चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं घर और आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह एक और नई वीडियो में।